परम शांति बाबू जी, बाबू जी आपका स्वागत है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि शिव और शंकर के बीच में क्या रिलेशन है, क्यों शंकर साकारी रूप में बताए गए हैं, जो शिव है उनको निराकारी रूप बताया। लोग यही मानते हैं कि शिव और शंकर एक ही है, आप क्या कहते हैं? देखो, शिव निराकारी, जिसको पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, ठीक है, निराकार शिव जो परम धाम में रहते हैं, उसने कैसे रचना की वो मैंने कई ब्रह्मांड के मेरे वीडियो में बताया। सेवन सीक्रेट ऑफ शिवा में है। हाँ, सेवन सीक्रेट ऑफ शिवा, धरती कैसे बनी जी, वो भी वीडियो है, कब बनी हमारा ब्रह्मांड, कब बना शिव ने, निराकार शिव ने, फिर शिव निराकार शिव से वो संकल्प किया और आकारी शिव बने जी। तो शिव शक्ति, शिव ने फिर अपने अंदर से शक्ति को निकाला, शिव शक्ति बने तो वो आकारी लोक में रहने लगे। शिव लोक ऊपर है, ठीक है, परम धाम के नीचे शिव लोक है, जहाँ शिव शक्ति आकारी रूप में काम करते हैं और शिव शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। ओके। और शिव शक्ति ने फिर शक्ति द्वारा, उसने शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु को रचा, ठीक, और विष्णु ने अपने अंदर से लक्ष्मी को रचा, ठीक है, और फिर लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ठीक है। अब ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सप्तर्षि बनाए, सप्तर्षि बनाए, सात लोक बने, पूरी मैंने कहानी बताई हुई है ब्रह्मांड के सृजन की, पूरी कहानी बनाई, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्म का 50 साल पूरा हो गया। तो अब जो शंकर महादेव है वो जो साकार में जो हिमालय में रहते हैं, हिमालय में जो रहते हैं, तो वो शंकर जो ये है धरती पर कंट्रोल करने के लिए उसका शिव का अवतार है, जो आकारी शिव है ना, आकारी शिव उसका अवतार है। निराकार शिव का तो नाम ही नहीं है, मगर आकारी शिव का नाम पड़ा बाद में, शिव, शिव माने सत्यम शिव सुंदरम माने कल्याणकारी, मतलब शिव की रचना थी इसलिए उसका भी नाम शिव शंकर पड़ा। हाँ, शिव शंकर, शिव शंकर माना, अब समझो शिव, शिव तो शिवलोक में रहता है ना, आकारी रूप में हो, ठीक है, और साकार का उसका रूप हुआ ना, हमेशा परमात्मा के तीन रूप होते हैं, चाहे महाशिव हो, गैलेक्सी का मालिक, आकाशगंगा का मालिक, तो महाशिव भी महाशक्तियों का द्वारा कंट्रोल करता है, और कोई गुप्त वेश में महाशिव भी पाठ बजा के सारे दुनिया को जानता है, देखता है, कहते हैं ना दो लोग कि ऊपर बैठे बैठे क्या देख रहा है। हाँ, तो वो भी सभी साकारी रूप द्वारा सारी सृष्टि, साकारी जो महादेव का रूप है वो धरती पर विनाश का काम करता है, ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा। तो अभी भी आपका कहने का मतलब ये है कि जो शंकर भगवान जो है आकारी रूप में अभी भी हिमालय में है। हाँ, है आकारी रूप, उसका पूरा परिवार है, अच्छा, गणेश जी कार्तिक सूक्ष्म में है अभी, अच्छा, हिमालय में रहते, जहाँ वो मानसरोवर है ना, वहां जाते तो आपको अनुभव होगी, जिस पहाड़ पे रहते थे ना, क्या नाम है उसका, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, तो कैलाश कैलाश पर्वत पे वो रहते हैं। हाँ, तो है वहाँ, और उसका दर्शन करने ऊपर से लोग आते हैं, तो वहाँ रहस्यमय जगह है, वहाँ आते हैं ऊपर सूक्ष्म जगत वाले लोग महादेव का दर्शन करने के लिए आते हैं, देवी पार्वती के साथ आज भी आकारी रूप में है, मगर मनुष्यों को नहीं दिखेंगे क्योंकि वो आकारी सूक्ष्म जगत में है, इसलिए मनुष्य तो क्या ये भूत प्रेत क्या उनको देख सकते हैं? भूत प्रेत जो हाई क्वालिटी है वो देख सकते हैं, निचली क्वालिटी की आत्मा है ना, क्योंकि वो भूत प्रेतों का तो इष्ट देवता महादेव माना जाता है। हाँ, माना जाता है, पर क्या मतलब बनने के बाद कोई भूत बन के अगर दर्शन करने जाए, वहां जाए तो जा सकता है, मगर ऊपर जो ऊपर में चढ़ाई, भूत प्रेतों के लिए भी इतनी ऊपर चढ़ाई आसान नहीं है, भूत प्रेत तो 1 किलोमीटर ऊपर हवा में नहीं उड़ सकते, क्या बात है, वो तो इधर धरती के टचो टच रहते हैं, धरती के लगोलग रहते हैं, इससे ऊपर 1 किलोमीटर नहीं जा सकते, और अपना कैलाश मानसरोवर तो काफी ऊंचा है ना, बहुत, तो वहां भी उसको महादेव की प्रार्थना करे, प्रसाद करे तो जा सकते हैं, आज भी है, तो उसे दर्शन करने से कोई लाभ, इसलिए युवक को आते हैं ना उसको मिलने के लिए, महादेव का दर्शन करने ऊपर की लोक वाले आते हैं ना, ऊपर लोक वाले तो देखते हैं ना, युवक को आते हैं, और वहां रहस्यमय काफी पावर है एनर्जी, दर्शन करने से लाभ क्या है, जैसे भक्ति मार्ग वाले। तो बाबू जी, जैसे आपने पृथ्वी कैसे बनी वो वाला जो वीडियो था उसमें बताया था कि ये पृथ्वी को बने 1240 खरब साल हो गए, तो क्या शंकर भगवान भी उतने सालों से धरती पे बैठे हुए हैं? जब से बात बताऊं कि जब से भी ये ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्मा का 50 साल हो गया, ठीक है, तो बाद में धरती बनी, तो मैंने जो समय बताया, तो तब से धरती पर शंकर उसका नजर रखने के लिए, धरती को कंट्रोल करने के लिए साकारी रूप का, परमात्मा के साकारी रूप का अवतार होता ही है ना, तो वो कहते हैं ना कि तीसरी आंख वो खोलते हैं तब वो तांडव करते हैं, तब विनाश करते हैं, उसका काम है विनाश करना, ठीक है। तो ये मेरा प्रश्न ये था कि 1240 खरब साल से क्या शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर ही बैठे हैं? देखो ऐसा, क्योंकि यहाँ पे तो धरती पे कितने चतुर्युग बीत गए, कितने सतयुग, द्वापर कलयुग भी बीत गए, तो क्या उनकी ड्यूटी यहीं लगी हुई है?
1240 खरब से जब धरती बनी तो मनुष्य बने, ठीक है, पहले देवता मनुष्य बन गए, गिरते गए ऊपर, फिर फरिश्ता जैसी आत्माएं थी। तो आपका मतलब ये कि जब मनुष्य धरती लोक पे आने लग गए ऊपर से नीचे, तो धरती पर जब तब जाके शंकर भगवान भी आए उनके पीछे पीछे। धरती पर जब विनाश करने की जरूरत पड़ी, हाँ, जब सत्युग तेता द्वापर कलयुग की शुरुआत हुई, हाँ हाँ, जब मैंने बताया वो उसी वीडियो में धरती कैसे बनी, उस पे वीडियो में बहुत स्पष्ट बोला है जी। तब जब शंकर की जरूरत पड़ी तब शिव ने अपना एक रूप निकाल के साकार में भेज दिया ऊपर से, इसलिए उसका कोई मात पिता नहीं है। हाँ, शंकर के कोई मात पिता नहीं। हाँ, ये तो सच बात है, इसलिए स्वयंभू है, शंकर को स्वयंभू कहते हैं, महादेव। हाँ, जैसे शिव निराकार का रचयिता महाशिव है, गैलेक्सी का मालिक, आकाश गंगा का मालिक है, ऐसी तरह ये शिव जो महादेव है उसका कोई नहीं, सीधा निकले हुए महाशिव के एक रूप है, महाशिव, अरे सॉरी, शिव का, महाशिव तो गैलेक्सी का मालिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है वो, तो इसीलिए शिव को स्वयंभू बताया। हाँ, महादेव का कोई माँ बाप, साकारी माँ बाप नहीं होते उसके। हाँ, ये हिमालय पे उसका अवतरण हुआ बड़ी वंडरफुल बात है बापू जी, ये शायद कोई क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा है जो आप बता रहे हैं। शिवपुरी में जो शिव है उसने देखा कि धरती पर कंट्रोल, धरती को कंट्रोल करने के लिए, हाँ, एक मेरा एक रूप भेज दूं, ठीक है, तो भगवान शिव ने आकारी से एक साकार रूप निकाला, अपने अंदर से ग्रुप निकाला, और वो रूप धीरे धीरे करके आके कभी शाकारी कभी आकारी काम करने लगा। कई वीडियो में कहा है कि शिव के 28 अवतार है, विष्णु के 24 अवतार है, हाँ, तो ये क्या है? वो शिव जो शिव है ना, हाँ, कभी शंकर के भी अवतार होते हैं, हाँ, कभी शिव आकारी लोक में शिवपुरी में रहते हैं ना जी, जी जी, तो उसके अवतार 28 अवतार है। जैसे मैंने एक बार टीवी में ऐसे सीरियल में देखा था कि शिव जी ने अपने सिर में से कोई बाल निकाल के ऐसे फेंका तो वो राक्षस बन गया, पैदा पावर काम करने के लिए पैदा कर दिया, तो ये बड़ा अमेजिंग था, क्या वो विदाउट एक बाल से या संकल्प से उनको पैदा कर दिया। देखो शंकर भी किसको ध्यान लगाते, योग करते रहते हैं, हाँ, पी के किसका ध्यान करते हैं 100% ये जान, जो हमेशा कोई भी जो होता है रचना, हाँ, वो अपने रचियता को ध्यान करते हैं, तो अपने साकारी शिव माने शंकर शिव आकारी को याद करते हैं, उससे कोई डायरेक्शन लेने के लिए उसको याद करते हैं, उससे पावर लेते हैं, वो उसके डायरेक्शन के हिसाब से काम करते हैं, और वो महादेव है जो माँ दुर्गा को याद करते हैं, लेकिन उसकी रचना तो वो हो गई ना। तो बाबूजी इसी प्रकार क्या भगवान विष्णु को समुद्र के नीचे दिखाते हैं, तो क्या रियलिटी में वो कहाँ होते हैं, क्या इस पृथ्वी पे होते हैं या ऊपर के? नहीं, ऊपर में जो है ना, ब्रह्मापुरी से ऊपर, जैसे धरती से ऊपर 7 लोग है ना, हाँ, भूलोक से ऊपर बभूलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी भी, फिर विष्णुपुरी आती है ना, ठीक है, तो वहाँ आदि परम तत्वों की दुनिया, हल्के परम तत्वों की दुनिया है, तो इसको क्षीर सागर कहते हैं, ये सागर नहीं, ओके, वो क्षीर सागर होता है दूध जैसा सफेद, वाह, तो जो परम तत्व होते हैं, परम तत्व ये तत्व वाली की दुनिया, 3 तत्व होते हैं, ब्रह्मापुरी तक 3 तत्व होते हैं, ठीक है, और ऊपर परम तत्व होता है, तो विष्णु परम तत्व की दुनिया में रहते हैं, उसको क्षीर सागर कहते हैं, ओके, ये सागर नहीं, क्षीर सागर, जहाँ गंगा रहती थी। तो मतलब शंकर जी को तो नीचे धरती लोक पे भेज दिया, लेकिन वो खुद अभी वहां पर, तो विष्णुपुरी से ऊपर शिवपुरी है ना, तो अभी भगवान विष्णु भी क्या वहां पर है, क्षीर सागर में बैठे हुए हैं अभी? तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तो नीचे गिर कर गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया धरती को बने हुए, कितना मतलब ब्रह्मांड बने हुए। बाबू जी ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा की आयु खत्म होती है तब नया ब्रह्मा आ जाता है, तो ब्रह्मा नया आ जाता है कभी कभी बोलते हैं जब, तो भी ऐसी तरह विष्णु भी आ जाता है, शंकर भी आ जाता है, ओके, और शिव भी के अंदर भी पावर खत्म हो जाए तो शिव भी सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड, काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर ग्रेविटी से खींच के खत्म कर लेता है। आपने एक वीडियो में कहा था कि जब शिव जीव बन जाता है तो उसकी जगह पे नया शिव को ऊपर से महाशिव भेज देते हैं। हाँ। शिव की रचयिता है महाशिव, महाशिव ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना की, ओके, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि शिव है, अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु, तो क्या शिव भी स्वयंभू मनुष्य बन के आते होंगे धरती पे, उसके बारे में आप? हाँ, तो जैसे साकार रूप हुआ ना शंकर, तो उसके अवतार होते हैं ना, कई बार ब्रह्मा विष्णु शंकरों के अवतार होते रहते हैं धरती पर अच्छा काम करने के लिए, मगर वो कर नहीं पाते, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, Okay. तो फिर नहीं कर पाते, तो महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं, इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है ना, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते प्रतिपल, तो महाशिव के एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल समय, कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड, वो समझना पड़ेगा ना। मैं सभी श्रोताओं को कहूंगा कि बापूजी ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय की जो एक बुक लिखवाई थी बापूजी ने, वो हमारी वेबसाइट में फ्री में रखी हुई है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है वेबसाइट पे जाके, तो वो आप जरूर से डाउनलोड करिए और लोगों को भी शेयर करिए, ये फ्री बुक है, आप लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, उसमें ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड समझाया गया है,
और काफ़ी सारी बातें जो हैं वो शायद उसके ऊपर हमने दो वीडियो भी बनाए थे, वो बुक को बापूजी ने एक्सप्लेन भी किया था और उसके इंग्लिश डब भी वीडियो अभी हमने रखे हैं। तो ज़रूर से इसको शेयर करें और ऐसी अच्छी चीज़ों को लोगों तक ज़रूर से पहुंचाएं। बाबूजी और कुछ कहेंगे इस वीडियो में? बस परम शांति। परम शांति बापू जी, धन्यवाद।